नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी। सर पे हाथ रबदा, इधर देखो, हाथ में 786। ओए काके, साढ़े पंजाब में स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर भी 70, 71, 72 लिखा होता है ना, तो किसी की हिम्मत ही होती है कि उसे मिटा दे। तू मेरा खानदान मिटाएगा? मैं क्या अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज में खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी नाम की फिल्म बनने वाली थी? और अगर हाँ, तो क्यों रहे फैंस खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी से महरूम? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में, जहां आज अक्षय कुमार वर्सेस टाइल के बादशाह बने बैठे हैं। वहीं उन्होंने सोशल मैसेज पर भी अलग अलग जेनर की फिल्में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तकरीबन 26 साल पहले उन्होंने राज सिप्पी की फिल्म सौगंध से डेब्यू किया था, और तब से लेकर अब तक वो खिलाड़ी जैसी एक्शन मूवी से लेकर कॉमेडी फिल्मों का भरपूर एंटरटेनमेंट हमारी झोली में भरते आ रहे हैं। लेकिन बाकी के सितारों की तरह उन्होंने जहां कुछ हिट फिल्में दी हैं, तो कुछ फ्लॉप फिल्में भी दी हैं। और वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो कि साइन तो की गई लेकिन कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। उनमें से एक थी खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जहां 1992 में खिलाड़ी में काम किया था, उसके बाद इसकी सीरीज भी बना डाली। 1992 में खिलाड़ी, 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी, 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी, 1997 में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी, 2000 में खिलाड़ी 420 और 2012 में खिलाड़ी 786। इसी बीच 2001 में अक्षय कुमार ने खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी भी साइन की थी, जो कि उमेश रॉय डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश फिल्म नहीं बन पाई थी। हमें कारण तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो इतना कहना है कि खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी जरूर बननी चाहिए। और नाम से तो यही लगता है कि फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल हो सकता था। इससे पहले अक्षय कुमार का सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और अफलातून जैसी फिल्मों में अपने डबल रोल से फैंस को अपना कमाल दिखा चुके हैं। आपका क्या कहना है? क्या खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी बननी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।